अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे घर पर क्या आप भी ठीक ठाक होंगे? तो ये घर तो मैं आज जब आई हूँ यहाँ पे, तो मैं वो वीडियो अपने बहन भाइयों से शेयर नहीं कर सकी। गैस है तो यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है और टेंशन बनती है, फिर इसलिए लकड़ियाँ। और जो ये चूल्हा है ये मेरा ही था, तो वो क्योंकि इस मोहल्ले में मेरा ग्रीन सिस्टर आलफा का चूल्हा था, फिर उनसे जाके चूल्हा लेके आई हूँ। मैंने कहा दे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेंडर की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कि हम सिलेंडर जला सकें। और ये है लकड़ियाँ और ये चूल्हा तापियाँ मंगवाई हैं, वो लकड़ियाँ और वो तापियाँ जिनसे उपले जलाने के लिए मैं ले आई थी, वो क्योंकि मोहल्ले से ही मिलते हैं ना, यहाँ तो सारा मोहल्ला बड़ा वाकिफ है। यहाँ पे हमने 12 साल गुजारे इस मोहल्ले में, इस एरिया में। तो अभी चाय हमारी बन रही है और सब पियेंगे, क्योंकि सुबह से किसी ने भी नहीं चाय पी है। अभी ये देख लें कि 2 बज चुके हैं, नाश्ता भी यहाँ तक कि हमने आज घर का नसीब नहीं चाय। मम्मा क्या हुआ? ये मैं क्या कहते हैं इसे बना रही हूँ, सुहाजना गोश्त और मटर, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे पहला दिन और लगे पड़े हैं करके, काम सारे बिखरे पड़े हैं। मगर क्या है कि गैस नहीं है और गैस की लोड शेडिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो फिर चूल्हे बनानी पड़ती है। अब लकड़ियाँ और थापियाँ वगैरह सारा कुछ आया हुआ, तो लकड़ियाँ और थापियाँ आई हैं जिस पे मैं ये बना रही हूँ। अब तो सब बहन भाइयों को दिखाऊँगी। ये देखिए चिकन, चिकन फ्राई हो रहा है, ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। ये चिकन फ्राई हो रहा है हमारा, पहले हमने प्याज ब्राउन कर लिए थे, अब हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें रूबीना की क्या हालत हो गई, दो पास तक तो नया घर है, फिर क्या हालत हुई पड़ी है, गैस नहीं है, लकड़ियों पर खाना बन रहा है, ये दही आ गया। और बड़े अरसे के बाद हमें देसी माहौल का खाना मिल रहा है, ये जी देसी प्योर देसी। ये हमारे घर का पहला व्लॉग है इस न्यू घर का। ये देखिए इसमें ये मसाला भुन गया है और उसमें मैंने टमाटर ऐड किए है, और अब इसमें ये दही ज़्यादा नहीं डालें, खट्टा हो जाएगा, क्योंकि नींबू भी डलने हैं ना, टमाटर भी डलने हैं। तो जी जो रेसिपी इन्होंने दूसरे मकान में कही थी मैं दिखाऊंगी, वो नए मकान में आकर दिखा रही पाई मैं, नए मकान में दिखा रही हूँ, नए मकान में, क्योंकि हालतें भी हमारी बहुत बुरी पड़ी, अभी तक सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये देखें ये तो सारा सामान, ये देखें ये फर्नीचर अभी खुला हुआ है सारा, तो अभी इसकी सेटिंग करना बाकी है। ये देखें सामने अभी तो कुछ कुछ आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो रही है, बाकी अल्लाह ख़ैर करेगा। ये और अभी से अच्छी तरह निचोड़ लूँगी, क्योंकि मैंने 3 बार उबाल लिया था, फिर अच्छे से पानी में सही से निकाला है, निकाल के फिर अभी इससे, क्योंकि रात मैंने इसे रख दिया था और अभी इसे बना रही हूँ मैं, तो इसकी और बुनाई लग जाएगी मज़ीद। बुनाई तो हो गई है, तो बस बीच में ऐड करना है, वो क्या कहते हैं मिलावटी खातून ने, मिलावट करनी है। आज असल में टेंशन और परेशानी के अंदर मुझे खुद भी मिलावट का महसूस, या लफ्ज़ याद नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हुई पड़ी है। रात 2 बजे तक हमने शिफ्टिंग की है, हाँ जी, और उस शिफ्टिंग के दौरान मुझे चोट भी लगी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़बरदस्त चोट लगी, जिससे कमर मेरी छिल गई है। हाँ जी, बाकी अल्लाह रहमत करे, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। बाकी ये देखें यहाँ पर थापियों की मकदार 2 बोरे भर के आ चुके हैं, और लकड़ियाँ ये हैं, पानी की कैने पड़ी हुई है खाली अभी, क्योंकि अभी भर कर लाना है मैंने। यहाँ बहुत सारे मसाइल तो हैं, मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारना भी एक महारत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे। आमीन सुम्मा। ये सुहाजना ऐड हो रहा है, ये देखें सुहाजना। प्यारे बहन भाइयों, ये देखें मैडम निचोड़ रही हैं सुहाजने को, इस तरह निचोड़ रही हैं, खुर्रम की मुंडी इसके हाथ में आई है। हाँ, आपकी पहले मैं मारती हूँ आपको। या माशाल्लाह से, अब तुम्हारी जितनी जान है अल्लाह माफ़, तुम गर्दन पे गोटा रख दो तो मेरा दम निकल जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखिए साथ साथ उनको जो बाउल्स इन्होंने बीच में डाले, उन्हें बीच में तोड़े भी जा रहे हैं, बीच में तोड़े भी जा रहे हैं, फिर इस पे ना वो ढक्कन ढक देना ताकि इसमें धुआं भी ना जाए ना, क्योंकि बहुत अरसे के बाद खाना बना दी ना लकड़ियों पे, लकड़ियों पर, और वो जो थापियाँ
थापियाँ, अब उर्दू में तो पता नहीं क्या कहते हैं, उपलो के उपले कहते हैं, सॉरी उपले। रोटी भी ट्राई करूँगी, देखूँगी रोटी बनती है इस पर कि नहीं बनती मुझसे आज। वैसे तो बना लेती हूँ मैं, लेकिन वैसे पतली पतली नहीं बनेगी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इसका एक ख्वाब चिकना चूर हो गया। हाँ, ये यहाँ पे जो तंदूर था वो बंद हो गया इस मोहल्ले में, तो वहाँ से मुझे बहुत दुख हुआ। तो प्यारे बहन भाइयों, सुहांजना गोश्त, चिकन डाला हुआ है इसमें। हाँ जी, चिकन है और मटर है, तो वो हो गया है तैयार। आपको हांडी में से धुआं उठता हुआ नज़र आएगा, और ये देखिए पका किस पर है। उफ, आज ठंड भी बहुत है, ठंड भी बहुत है, और बाहर बैठ के पकाया है हमारी मैडम ने। गैस भी नहीं है यार, खाना तो है ना, क्या करें। खाना तो वाकई है, खाना तो वाकई है। तो जी ये देखिए सेटिंगे किस तरह चल रही हैं। अभी तो याद हो रही हैं सेटिंगे, इधर का भी तो सामान पड़ा हुआ है सारा। अभी तो सारा ये देखिए बहुत मुश्किलों के साथ ये काम होते हैं। बहुत मुश्किलों से भी चूल्हा कल धोया और फिर धोने वाला हो गया है। अभी धोना, अभी वो धोया सिर्फ। ये गैस लगा हुआ है लेकिन अभी तक पाइप नहीं आया ना, तो गैस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। गैस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ जी उज़्मा। हाँ जी भाई। तो ये कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा ये अपना? ये बस एक प्रोजेक्ट तक हो जाएगा। कितने? अभी तो ये धोना ना। नहीं नहीं, वो धुलेगा तो सही, जरूर धुलेगा। धुलेगा तो फिर उसके बाद एक घंटे में नहीं होगा, बस फोन कर लो आज, ठीक है ना? बकाया काम कल करेंगे। अभी बाहर आके तो हमने अच्छी तरह धुलाई होगी, तब करेंगे। बकाया काम कल करेंगे। अच्छा 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 जी, खुदम खाना खाने लग गए। कोशिश तो है, थक गए। बेड तो सेट कर लिया खुदम ने, जोड़ जोड़ हिला, थक गए खुद हमने। बहुत काम किया, बहुत काम किया खुद हमने, बहुत काम किया। वही कमर भी छिली पड़ी है। वो ना कल खुद हम की कमर पे चोट लग गई है, कील लगा है कमर में और कमर पे चोट आई है मकान चेंज करते हुए। और अब भी बहुत तकलीफ़ में, कहते मेडिसिन ले आऊँ। मैंने कहा मेडिसिन ले आए अब जाके, और अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला शिफा दे। लोगों के लिए भी लानी है, हमारे लिए मेडिसिन आएगी और अपने लिए भी लेके आनी है। ठंड लग रही है, वो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड। ये आ गई हैं अब उज़्मा और सालन ले आई हैं मज़े मज़े का। ये मैं खाना लेके आई हूँ भाई के लिए और आपके लिए भी। अच्छा, आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया ना थकावट से। थकावट हुई है, अभी तो सेटिंग वगैरह कर रहे हैं और खुद हम भी इधर बैठे हुए हैं। हाँ, अब भाई भी बैठे हुए हैं, भाई के लिए भी लेके आई हूँ। मैंने कहा थकावट हुई है ज़्यादा, तो चलो खाना खा लो फिर सो जाना। आप भी बराबर ही थकी है बस, इसलिए तो मैं भी अब आराम कर रही हूँ। मैंने कहा अभी तो और थकावट बाकी है जो सुबह कल का दिन हो रहा है, कल का दिन हो रहा है सेटिंग का भी, तो सामान कुछ ऐसे बिखरा पड़ा, कुछ सेटिंग हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, फिर सुकून से ज़िंदगी जिए। सुकून से ज़िंदगी जिए क्या तो होती है, फिर जैसे मकान शिफ्ट करते हैं ना। ये तो सालन, मैं हूँ भूखी औरत, और ये कौन है रजे हुए मर्द? इतना रजा हुआ, सुबह एक कप चाय भी नहीं पी के गया और आकर गैस था। मुझे बताएं गैस था या नहीं था? मैंने किस पे बनाते जब ना लकड़ियाँ थी घर में ना लोगों को, तो नाश्ता मिल गया था ना। हाँ, आप वही, मैंने फ़ोन किया था कि खुद हम जाते थे अल्लाह का वास्ता, मैं नाश्ता देते जाए। फ़ोन किया या कुछ भी किया, मिल तो गया। हाँ, नाश्ता मिल गया, शुक्र है जी। तो पहले बन भाई, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और भूख भी। और ये देखिए नाम मेरा लिया जा रहा है, अपने सामने रख के बैठी हुई है ये। अच्छा, तो आपने नहीं खानी? खाऊंगा, भूखा हूँ, सुबह काम है। सुबह का भूख है तो अल्लाह माफ़ी दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, तौबा 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 तौबा। तो पहले बहन भाई, और मैंने बनाया सुहांजना मटर और चिकन। जिस बहन भाई ने आना है आए और खाएं। आज इस घर में है हमारा पहला दिन, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पे रहना नसीब फरमाए, आमीन। और ये घर हमारे लिए अच्छा अच्छा साबित हो, बेहतर रोजगार रहे हमारा। हाँ जी, हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए। और कुछ खुदम आप कहना चाहेंगे? मैंने बेहतर रोजगार रहे, काफी सारी आमीन, जिन मसाइल से हम गुजरते रहे। भाइयों का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया कि हमें दिन रात हमें दुआएं दी, हमारे लिए दिन रात दुआएं की। और ये सजावल भी आ चुका है, कांपता कांपता से भी ठंड लगी है। सर्दी है ना, बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा, और इस घर में वाकई बहुत ठंड है।
पता नहीं यार तुम लोगों को लग रही है, मुझे नहीं लग रही था। सब बहन भाइयों ने मतलब बहुत साथ दिया है, दिन रात दुआएं की हमारे लिए, हमें बहुत खुशी हुई है। तो बहन भाइयों ऐसे हमारा साथ देते रहें, क्योंकि हमने आपको कहा कि हमारी सपोर्ट करें, कि सपोर्ट सिर्फ मैंने ये कहा है कि हमारी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, वॉच किया करें, कम से कम कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपका क्या जाएगा, क्या जाएगा, बस इतने कहते हैं हम। और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, और जितने भी बहन भाई हैं सब हमें देखने वाले, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत सारी खुशियां दे, और उन्हें हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो लेकर कल की फिर इस घर की हम हाजिर होंगे, हो सकता है कि रात को ये वीडियो आ जाए, कोई दूसरी वीडियो हमारी, कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी दुआ में याद रखिएगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।